बहुत ही टेस्टी ब्लैक पेपर चिकन हमारा रेडी हो गया है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे काली मिर्च वाला चिकन कढ़ाई, तो बहुत ही मजे का बनता है, रेस्टोरेंट का स्टाइल का बनाएंगे हम। चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने तकरीबन आधा किलो से ज्यादा लिया है और इसमें 2 चम्मच हम सिरके के ऐड करेंगे। सिरके की जगह आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। काली मिर्च आपने जितनी यूज करनी है आप हंस पे जरूरत यूज करेंगे, हंस पे जायका। हाफ टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है। सोया सॉस ऐड करेंगे। और अब हम सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे इसमें। हंसते जायका सॉल्ट ऐड किया है, तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड किया है। और अब इसको मैरिनेट करके मैं इसे 10-15 मिनट्स के लिए रख दूंगी। मैंने 2 दरमियाने साइज के प्याज काट के रफली इसे चॉप किया है और रख दिया है। नीचे फ्लेम ऑन है। अब हम इसमें 4-5 टेबल स्पून ऑयल के डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। देखिए लाइट ब्राउन मैंने प्याज कर लिए हैं। अब हम इसमें 6-7 जवे लहसुन के डालेंगे, साबुत लहसुन, और अदरक भी ऐसे ही हम इसमें साबुत डालेंगे, तकरीबन 1 छोटी सी स्टिक, 1 इंच स्टिक, उसे थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए इसमें से मैंने ऑयल को अच्छी तरह निचोड़कर प्याजों को निकाल लिया है और अब इसे मैं ठंडा करने के लिए रखूंगी। देखिए अब जो ऑयल बच गया है उसमें हम अपना जो हमारा चिकन मैरिनेट था वो डालेंगे और इसी ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत जूसी बनता है काली मिर्च की चिकन कढ़ाई, बहुत मजे की बनेगी। देखिए चिकन में अपना पानी छोड़ दिया है, जब तक ये पानी ड्राई होते हैं हम तब तक इसको पकाएंगे। इतनी देर में हम दूसरी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंडर में मैंने लहसुन, अदरक और प्याज के साथ 5-6 अदद काजू भी ऐड किए हैं और साथ ही हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 अदद हरी मिर्च ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। इसे ग्राइंड करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसमें तकरीबन 1/2 ग्लास मैंने पानी ऐड किया है ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। कर देंगे इसको, हम इसमें थोड़ी सी दही को भी ऐड करेंगे। 2-3 अदद हम दही के डालेंगे चम्मच। और अब इसको हम अच्छे से मसाला इसका भून लेंगे, तब तक हम इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। और साथ ही इसमें थोड़ी सी हम हल्दी ऐड करेंगे। कलर के लिए हमने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है इसकी। हम इसको सिर्फ
दो से तीन मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे और इसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके लिए फ्लेम ऑफ है, हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी हमारा ब्लैक पेपर चिकन रेडी हो गया है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।